ओम शांति। सुप्रभात। सत्य पिता, सत् शिक्षक, सद्गुरु, सत् ज्ञानदाता, सत्य युगर रचयिता परमात्मा निराकार भगवान शिव पितांकर सत्यनिष्ठ आत्मिक संतान मानंकु विश्व नवनिर्माणर कार्यरे निजकु सामिल करिथिबार हार्दिक कृतज्ञता शुभ अभिनंदन सुस्वागतम। ई जंजाल भरा कलिजुगी दुनिया रे मनुष्य एपरी छंदी हे जाइछि जे जेते चेष्टा कले मध्य सेथिरु मुकुलिबार राहा पाऊ नाही। गोटिए सुंदर उपाख्यानटी मन को आसे। एकदा जणे नेता सरकारी अर्थ आत्मसात करिथिबा अभिजोग रे बंदी जीवन बितौ थांती। तांको सहित मध्य जे माने सहयोगी थिले से माने मध्य कैदी खाने रे थांती। से मानंक मध्यरु अनेक पश्चाताप करुथांती कि काहिंकि एपरी कलु। तेबे नेता जणक समस्तंकु बुझौ थांती कि देख मु अछि तुमर किछि असुविधा हेबनि, मु व्यवस्था करुछि तुममानंकु एठारु मुक्त करिबा पाई। एहिपरि किछि दिन धैर्य देई चली थांती। अन्य माने मध्य किछिटा आश्वस्त अनुभव करुथांती। आउ दिनर कर कथा नेता कहिसारिबा परे चली गले तांको प्रकोष्ठ को। अन्य माने परस्पर भितरे आलोचना करुथांती। जणे चतुर व्यक्ति कहिले, भाई माने आपण माने एई नेतांको कथा को किपरी विश्वास करुछंती? से परा निजे बंदी जीवन कटौछंती, आमको किपरी से एठारु मुक्त करि परिबे? निजे मुकुलिबार बाट पाउ नहंती, आमको कोन मुकुलिबे? ए कथारे समस्ते मध्य सहमत हेले एवं निष्पत्ति नेले कि आगामी सुनाणी बेले एथर सबु किछि सत सत कहिदेबा, अंतत आमर सजा तो कम हो जीव। यांको कथारे आउ बाइया हेबा नाही। तेबे कहिबा कथा हेउछि कि आजिर दुनियार अवस्था मध्य सेई भली। आमे माने मुक्ति पाइबा आशारे साधु संत गुरु गोसाई आदिंक पाखकु जाउछु, तांक मत अनुसारे चालुछु, वेद शास्त्र आदि अध्ययन करुछु, सबु किछि करि करि वर्तमान एपरि अवस्था हेइगलाणी कि पोथी पढ़ते पढ़ते धोती मरम न जाने कोई। परंतु आमे केबे थरे विचार करिछे कि जे सारा विश्व परिवर्तन बा वर्तमान चालिछि जे कार्य विश्व परिवर्तनर, वर्तमान मायार जंजीर रे सारा विश्व बंधा हेछि, अर्थात देहर बंधन रे समस्ते अछंती। चाहे गुरु गोसाई हुंतु, साधु संत हुंतु बा धर्मस्थापक, समस्ते जन्म मरण चक्र रे आसी देहर बंधन रे पड़ी मुक्ति पाइबार बाट खोजी चली छंती। से माने किपरिबा आमको एई बंधनरु मुक्त करि परिबे? हाँ, से माने समाजर कल्याण पई श्रृंखलित सामाजिक विधि व्यवस्था को बंचेई रखिबा पई मार्गदर्शन करि पारंती। परंतु मुक्ति बा जीवन मुक्ति नुहे। जदि करै पारु थांते तेबे गीतार महावाक्य अनुसारे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते, भगवान को आसीबार कौनसी आवश्यकता पड़ता नहीं। तेबे कौनसी देहधारी
मुक्ति बा जीवन मुक्ति प्रदान करि परिबे नाही। ए कार्य एकमात्र अजन्मा अभोक्ता अशरीरी निराकार परमात्मा शिव बाबांकर अटे। साधु जने एही कथा उपरे टिके गंभीरतार सह आलोकपात करंतु। जदि निजर तथा सारा विश्वर परिवर्तन चाहू थांती एबे कल्याणकारी परमात्मा कहुछंती एई कलियुगरे समस्ते रावणर जंजीर रे बंधा हेछंती अर्थात जीवन बंधन रे समस्ते अछंती। सेमानंकु जीवन मुक्ति देबा पाई मु आसीछि ज्ञान प्रदान करुछि। तुमे माने एहाकु ग्रहण करि अन्य मानंकर मध्य कल्याण करि चालो। तुमे माने ब्रह्मांकर संतान ब्राह्मण हेउछ तेणु तुम मानंकु पूरा पूरा एकोईसी जन्म पाई जीवन मुक्तिर संपत्ति मिलुछि। बाकी जो माने ए आदि सनातन देवी देवता धर्मर बा कुलर नुहंती अन्य समस्तंकु निज निज धर्मरे प्रथमे प्रथमे जीवन मुक्ति अर्थात सुख शांति मिलिथाए परे पुणी दुख मिलिथाए। समस्ते अधा समय सुख एवं अधा समय दुख भोग करिथांती। तेबे सत्ययुगी स्वर्गर सुख केवल तुमे संतान माने ही भोग करि परिबो। जेउ माने वर्तमान मो श्रीमत अनुसारे सेठिकार अधा अधिकार प्राप्त करिवार पुरुषार्थ करुछ सेथिपाई संगम जुगी श्रेष्ठ ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हेबाकु पड़िबो। एई पाठशाला रे पाठ पढ़िबाकु पड़िबो। पांच विकार रूपी माया उपरे विजयी हेबाकु पड़िबो। कौनसी भी ओलटा चालीचलन अर्थात विकारी चालीचलन हेबा उचित नुहे। माता पिता अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा एवं जगदम्बा सरस्वती को अनुकरण करिबाकु हेबो। जोग बल द्वारा काम क्रोध आदिर हालुका निशा को मध्य समाप्त करिबाकु हेबो। निमित्त होई समस्तंकु रावणर जंजीररु मुक्त करिवार सेवा करिबाकु हेबो। शिव बाबा कहुछंती कौन काहिकी एवं एमिति सेमिति भली समस्त प्रश्न ठारु ऊर्ध्वरे रहुथिबा सदा प्रसन्नचित हुअ। जेउ माने प्रसन्नचित आत्मा सेमाने निज सम्बन्धरे बा समस्तंक सम्बन्धरे बा प्रकृति सम्बन्धरे कौनसी भी समयरे कौनसी भी कथारे संकल्प मात्ररे मध्य कौनसी प्रश्न उठेबे नाही। सर्वदा एहा भाविथांती कि जहा सबु हेउछि ताहा मो पाई बहुत भलो एवं आगकु मध्य सर्वदा भलो ही भलो हेबो। जदि निजकु मेहमान अर्थात अतिथि मने करी प्रत्येक कर्म करिबो तेबे महान आत्मा हेबा सहित महिमा योग्य मध्य हेइ जीव। अच्छा आजि पई आमे माने एठारे विराम नेबा। आसंता काली पुनश्च आमे माने एकत्रित हेबा सही परमात्मा प्रिय पितांकर आउ किछि अमूल्य महावाक्य को श्रवण मनन एवं धारण करी निज जीवन को परिवर्तन करिबा सहित सारा विश्वर कल्याणार्थे
पुरुषार्थ करि चलिबा बा सेवा करि चलिबा। सारा विश्वर कल्याण हेउ, समस्ते सुख आउ शांतिर अनुभव करंतु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।